नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F22 versus Realme 7i का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy F22 में 6.3 इंच जबकि Realme 7i में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy F22 में 2.91 इंच जबकि Realme 7i में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy F22 में 0.37 इंच जबकि Realme 7i में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy F22 में 203 ग्राम जबकि Realme 7i में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy F22 में Super AMOLED जबकि Realme 7i में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy F22 में 6.4 इंचेस जबकि Realme 7i में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy F22 में 83.52% जबकि Realme 7i में 82.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy F22 में 274 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Realme 7i में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy F22 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Realme 7i की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy F22 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Realme 7i की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy F22 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Realme 7i में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 9 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy F22 में Mali G52 MC2 जबकि Realme 7i में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy F22 में MediaTek Helio G80 और Realme 7i में Qualcomm Snapdragon 662 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy F22 में 4GB की RAM मिलती है जबकि Realme 7i में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Galaxy F22 में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Realme 7i में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy F22 में अप टू 1TB जबकि Realme 7i में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy F22 में Android V11 जबकि Realme 7i में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy F22 में 6000 mAh जबकि Realme 7i में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
गैलेक्सी F22 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Realme 7i की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,525 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Samsung Galaxy F22 में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 7i की तो उसमें 6 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy F22 आगे है, मेन कैमरा में Realme 7i आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy F22 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 30 है, जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Poco M3 Pro 5G है, जो कि 15,990 रुपए में मिलता है। तीसरा Nokia G20 है, जो कि 14,290 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Ulefone Armor 8 Pro है, जो कि 26,500 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।